बात है बहादुर। सबसे पहले तो मैं गायिका सुनीता शर्मा एंड पार्टी आप सभी श्रोता बंधुओं का, माताओं एवं बहनों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करते हुए अपने कार्यक्रम की प्रस्तुति में एक बिरहा कैसेट सभी श्रोता बंधुओं के बीच में प्रस्तुत कर रही हूँ। आशा है, विश्वास है, उम्मीद है कि हमारी ये बिरहा कैसेट आप लोगों के बीच में जाएगी और सुनने के बाद इसे आप लोग बहुत बहुत पसंद करेंगे। इसी आशा और विश्वास में हमारे कार्यक्रम की शुरुआत है। भूमिका की लाइन से स्टार्ट हो रहा है बाबू, आइए। अरे देश भगवान है, देश ईमान है, देश पर आज आए गवारा नहीं, सर सिरोही के आगे झुकेगा नहीं, कौन कहता हमें देश प्यारा नहीं, अरे दिल में हिम्मत भरी बाजुओं में है बल, हर चल के कांटों के ऊपर देखा जाएगा, अरे उग्रवादी होवे चाहे नक्सलवादी, देश भक्तों को क्या कोई अजमाएगा। गौर करेंगे हमारे बिरहा का शीर्षक अमर शहीद अंगद कुमार, जो देश के नाम अपने जवानी को हंस करके लिख दिया। बिरहा की शुरुआत में यहीं से कवि जी एगो बड़ा सुंदर गजल का संकेत करत हुवन। आवा बाबू तैयारी में बजाए के। बाबा बाबा क्या बात है। आई आई से कैसे हो जाई, आई आई से कैसे हो जाई, मोहब्बत के सौदा ऐसा कैसे हो जाई, बाबा बाबा तबला लखिया लाड़ी ना, तबला बतिया पाड़ी ना, शहीदों के नाम बड़ी ही मार्मिक भाव लिखते हैं। क्या लिखते हैं बाबू? हिंदुस्तान हमारी देशवा, हिंदुस्तान हमारी देशवा, गिर के घरा Ah!
लेकिन बिरहा में कवि जी यहीं से कहानी की शुरुआत कर देते हैं। बाबू शैर के संगत लगल है, आवा बाबू बजाए के। अरे जिला गाजीपुर में, जिला गाजीपुर में सुहावल थाना मतहूर सही, जिला गाजीपुर में सुहावल थाना मतहूर सही, वहां समीप गांव है गोपालपुर सही। वहीं के रहने वाले हृदय नारायण नेता, वहीं के रहने वाले हृदय नारायण नेता, प्रभु औलाद दिए दो बेटी और चार बेटा। मंजू पार्वती को दिए भगवान हुनर, पत्नी संपाति छो बच्चों को पाली है, पत्नी संपाति छो बच्चों को पाली है, हृदय नारायण गायब हो गए बदहाली है। छत्तीसगढ़ में भर्ती अंगद कुमार हुआ, प्रांत छत्तीसगढ़ में भर्ती अंगद कुमार हुआ, 2009 में भारी खुशियों का इजहार हुआ। नजर न लागे अंगद वर्दी में सुघर लागे, नजर न लागे अंगद वर्दी में सुघर लागे, सभी से कहता कि जंग लड़ने से न डर लागे। कहानी के पहले समझ लिया जा कि आखिरकार कहानियां का शुरुआत कहां से हो गई। बताया जा रहा है जिला गाजीपुर में सुहावल थाना बड़ा ही मशहूर थाना क्षेत्र है। वही गाजीपुर में एगो गांव बसल जौना गांव का नाम गोपालपुर बतावल गई। वही गोपालपुर का रहे वाला बड़े भैया श्री हृदय नारायण नेता, जो कि बहुजन समाज पार्टी की सेवा करते हुए समाज सेवी बन करके समाज में अपना जीवन बिताने का काम कर रहे थे। इनके परिवार में इनके चार सपुत्र, दो बेटियां और इनकी धर्मपत्नी श्रीमती संपाति देवी पारिवारिक जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। बेटों के नाम में बड़ा बेटा रामराज सुभाष कमलेश और सबसे छोटा नौनिहाल लड़का अंगद कुमार, जो बड़ा ही तेज तर्राक और होनहार दिमाग का लड़का था। धीरे धीरे पारिवारिक जीवन सुखमय बीतत रहे। समैया का चक्र एक दिन पलटा, खैलस न हो भैया तो कुदरत का कहर परिवार पर डोल गया। और जब कुदरत का कहर परिवार पर डोल गया तो बताया जाता है कि अचानक हृदय नारायण जी अपने परिवार के सभी बच्चों को, पत्नी को, बेटियों को छोड़ करके परिवार से गायब हो जाते हैं। हृदय नारायण गायब हो गयलन, चारों ओर बाती के चर्चा होखे लगल। बड़का बेटवा रामराज अपने बाबू का पता लगावे लगलन, पता लगाने लगता है बेचारा, लेकिन पिता का कोई अता पता नहीं चला। भगवान के दिए हुए इस आशीर्वाद को अपने दिल में दफन करता हुआ रामराज अपनी माता श्रीमती संपा देवी के साथ अपने तीन भाइयों और दो बहनों को पढ़ाना शुरू कर देता है। पारिवारिक जीवन बीता था, पढ़ाई लिखाई के जीवन सुखमय चले लगल। होनहार लड़का अंगद कुमार, जिसके दिल में जज्बा था कि मैं पढ़ लिख करके अपने परिवार की गरीबी को दूर करूंगा, तो ऐसा सोचते हुए अंगद कुमार ने बड़ी लाजवाब बात कर दिखाया। आखिरकार मेहनत कैले हो जवान, आज जब मेहनत कैलस तो एक दिन मेहनत रंग लाइल भैया, पुलिस में भर्ती होके वदे फार्म के डाल देले हो, परीक्षा देहलस पास भइल, ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। ट्रेनिंग के दौरान भी कड़ी मेहनत किया, अंगद कुमार की मेहनत रंग लाई और पुलिस की नौकरी के लिए छत्तीसगढ़ में सेलेक्ट कर लिया गया, भर्ती कर लिया जाता है।
पुलिस का नौकरी मिलल, जवान के दिल में जज्बा रहे कि कुछ और करम, लेकिन जब ड्यूटी ज्वाइन कैलस तो एक दिन बिरहा यहीं से आगे बढ़े लगल। आ जब बिरहा आगे बढ़ल तो वो अंगद कुमार जौन सिपाही के नौकरी करत था, ए नौकरी के अपन फर्ज समझ के पूरा करे लागल। भैया हो एक दिन अपने साथियन के साथ बैठ के बातचीत करत रहे, ए बातचीत में एगो बड़ी लाजवाब बात कहले हो। का कहले हो? बड़ी पुरान गीत हवा बुआवा बजाए के तैयारी में। नई नई प्रीति लगल हिरनवा, नई नई प्रीति लगल हिरनवा, हम गवनवा नहीं जाम। लेकिन अंगद कुमार के दिल का ई जज्बात निकलत है, का निकलत रहे भैया? जहिया चाहिबा जंग मैदना, जहिया चाहिबा जंग मैदनवा, हम तूफानवा करबै ना। अपने देशवा के करनवा, बाघा सिर पे कफनवा ना, बाघा सिर पे चाहे रही हाँ या जई है जनवा, चाहे रही हाँ या जई है जनवा, हम तूफानवा कर बना। अंगद अपने साथियों से कहने लगता है कि भैया हो, खाली सिपाही बने का हमार जज्बा ना रहे, लेकिन कुदरत ने जो हमें दिया वो मंजूर किया हूँ, आगे देखता हूँ मेरा नसीब कहाँ मुझे पहुँचाता है। हमारे दिल का हौसला है देश बदे कुछ करे की, मौका मिली तो कदम पीछे ना हटी। भयल का भैया बतिया आगे बढ़ल, आ जब बतिया आगे बढ़ल तो बड़ी लाजवाब गीत लग गई बाबू आवा था। लगा दे आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, लगा दे आग पानी में जवानी। लेकिन कहा था कि अगर भगवान हमके ये मौका दे दी है कि हमारी जिंदगी देश बदे कुछ करे तो हम का करब बताओ था, का बताओ था भैया? आने पर आज ना आए, आने पर आज ना आए लगे ना तागिया चल में, आने पर दुश्मन हमरे समनवा आई ना भैया तो रेल के खड़ा कर दे। ये मौका हम चाहते हैं कि भगवान एक बार ही चंसवा हमके दे दो। क्या बात कहा गया, देश के प्रति मर मिटने का जज्बा आज अंगद कुमार के दिल में जागा है। भगवान सुन लेलन ना भैया होखे का लगल। धीरे धीरे वो अंगद कुमार सन 2009 से ड्यूटी ज्वाइन किया था और समय का चक्र पलटने लगा। सन 2000 से लेकर के समय का चक्र पलटते गया और आगे बढ़ा, और जब आगे बढ़ा तो हुआ क्या बाबू, वीर रस में लिखा जाता है। अरे जवानी जिंदा बाद दे सवाल, अरे जवानी जिंदा बाद दे सवाल, अरे लहू ललकार उठायन मोल वतन का पानी, अर हो पानी, अर हो पानी। Yeah!
आखिरकार समय बीतल आ जौन अंगत का अरमान रहे वो पूरा होके जात हो। भइल का भैया वीर रस के भाव में लिखा गइल। अरे कुछ दिन बाद जवान अंगद का हुआ एसटीएफ में ट्रांसफर। खास बिहार कैमूर दरौली से तिलकहरू आए घर। आखिरकार कुछ दिन के बाद सही ढंग से ईमानदारी और लगन मेहनत के साथ पुलिस डिपार्टमेंट में कार्य करने के कारण उस अंगद कुमार का ट्रांसफर एसटीएफ में कर दिया गया, जिसे हिंदी में स्पेशल टास्क फोर्स कहा जाता है। मेहनत कड़ा होने के नाते, जवानी का जज्बा दिल में देखने के नाते आज अंगद कुमार का ट्रांसफर कर दिया गया। और जब एसटीएफ में ट्रांसफर हुआ तो देखें भयल का भैया आखिरकार दिन पलट गई। वो गरीबी का दिन बीतल और उसी बिहार की धरती से बर्देखारू लोग दुआरे पर आई के खुराच मारे लगलन। आज जब बर्देखारू लोग खुराच मारे लगलन ना भैया, तो बताया गया कि खास बिहार कैमूर दरौरी की धरती से तिलकहरू अंगद कुमार के घर गोपालपुर पहुंचते हैं। आज जब गोपालपुर में पहुंचलन ना भैया, तो सन 12 दिसंबर के बरछा चढ़ल आ शादी का डेट मुकाम पड़ गई। आज जब शादी का डेट मुकाम पड़ल ना भैया, तो लड़की के पिता रामानंद जी डेट मुकाम डारने के बाद अपने कैमूर जिला को वापस पहुँचते हैं। आ जब घरे गैलन तो इनकर मलकिन इनकर दुल्हन पूछे लगली कि हमारे बिटिया के शादी तय कई के अला ना, हम जानल चाहत हई कि हमारे बिटिया सोनी का सुहाग, हमारे बिटिया सोनी का वो आदमी कैसन हो। जब ऐसा सवाल कैली तो रमानंद जी अपनी पत्नी से बताने लगते हैं। क्या बताने लगे बाबू? गीत लग गए मास्टर, क्या बात है, आइए बजा कर। आवा हो चंदा मामा, आवा हो अजोरिया, आवा हो चंदा रमानंद जी अपने मलकिन से ई बतिया बतावत रहे कि उ लइकवा कैसन बा जौन सोनी का सुहाग है, जौन सोनी का पति बा, का बतावत हुआ। कौनो परेशानी नहीं बेटी बनी है रानी, कौनो परेशानी नहीं बतावत हुआ कि हमारे सोनी बिटिया के आदमी सिपाही है। सिपाही से होकर ट्रांसफर भइल बा और सैनिक पे सैनिक के पद पे कार्यरत कइल गइल हो। ए लिए तुमके घबरैला का कोनो बात नहीं थे। शादी का डेट कब पड़ल हो बतावत हुआ, का बतावत हुआ बाबू? सन 13-11 जून के पड़ली लगनिया, रीति रिवाज से बिया है होई दुनिया, दोनों धारी छाई उछाई सुहाग
आखिरकार भयल का भैया बतावो थुवन कि लगन का डेट पड़ गए सन 2013 11 जून को शादी का डेट रख दिया गया है। तुहे घबरेला का कोनो बात नहीं खे, दोनों घर में अपार खुशी बा, परिवार का सब लोग बहुत अच्छा हुवन। भयल का भैया इधर गोपालपुर गांव में शादी का डेट मुकाम डलवाने के बाद वह अंगद कुमार जो छुट्टी पर आया हुआ था अब फिर अपने ड्यूटी पर चल रहा है, और जब फिर अपने ड्यूटी पर चला तो यही गीत बड़ी लाजवाब लग गई बाबू। बजो पूर्व के हाथ समा भाव में बड़ी लाजवाब बात लिखल जाता होत कहा भैया। बीत गई ना छुट्टी धैले छत्तीसगढ़ का रहिया सैनिक अपने ड्यूटी पर चल दिया, और जब छत्तीसगढ़ पहुंचता है तो बताया जाता है उस समय छत्तीसगढ़ के इर्द गिर्द आखिरकार नक्सलवादियों का इतना खौफनाक जलजला फैल गया था कि चुन चुन करके चुनिंदा सैनिक ड्यूटी पर तैनात किए जा रहे थे। ओमे से ई नंबर अंगद के आ गई, और जब अंगद के आयल ना भैया तो अंगद ड्यूटी पर तैनात भइल। ओ दिन का बात लिखल गई अंतरा के भाव में। साना तेरा हा मार्ची रहले महीनावा हो, चिंता गुफा थाना छत्री ड्यूटी लागल बनावा हो। सैनिक अपने ड्यूटी पर तैनात हो गया, और जब ड्यूटी पर तैनात होता है तो बताया जाता है सन 13 मार्च का महीना था, और इस मार्च के महीना में आखिरकार अंगद कुमार को चिंत गुफा थाना क्षेत्र के दरमियान बगल में जो जंगल था वन था उसी वन में ड्यूटी लगा दी जाती है। आखिरकार मेन मोर्चा को संभालने का काम कर रहा वह अंगद कुमार अपने ड्यूटी पर तैनात हो गया। नक्सलवादियों को नेस्तानाबूद करना है ऐसा है अपने दिल में जज्बा लेकर, ये दिल में जज्बा रहे तब तक बतिया आगे बढ़ल। आज जब बतिया आगे बढ़ल ना भैया तो यही बताया जाता है कि आखिरकार आमने सामने मुठभेड़ में नक्सलवादियों के साथ देखे बड़ी लाजवाब बात हो जाती है। क्या होता है बाबू गीत बदल गए हो। लहरिया लूटे राजा लहरिया
महीनावा ए बिरावा राहल 12 तारीख मंगल दिनावा मार्च का धाइल मुठ्ठा भेड़ गोली चाल बीचा बनावा सामने से अंगद कुमार अपने फर्ज को पूरा करने पर पूरे जोश और जज्बा के साथ भिड़ा हुआ था। नक्सलवादियों के मुठभेड़ में संघर्ष कर रहा था, लड़ाई कर रहा था। काफी नक्सलवादियों को नेस्तनाबूद करने के बाद अचानक यही बिरहा में मोड़ न आ गई भैया। एक नक्सलवादी जो छुप करके निशाना साध करके खड़ा था और गोली चलाने वाला है, यह गोली चलेगी और अंगद कुमार के सीना को पार कर देगी। कुछ कुदरत का मर्जी भी हो गई ना भैया, भयल का एक नक्सलवादी निशाना साध करके आड़ में छुप करके घात करके गोली चला दिया। आज जब गोलियां चलल भैया तब भयल का ओ गईला अंगद के मरा नवा मिलल घर सूचनावा ए बिरवा अरे ओ गईला अंगद के मरा नवा मिलल घर सूचनावा आखिरकार नक्सलवादी छुप करके निशाना साध करके गोली चला दिया। और ये जब गोली चलती है तो सीधे अंगद कुमार के सीना को पार गई कर गई। जिस दम यह गोली लगती है लड़खड़ा कर वह अपने हौसले और हिम्मत को बुलंद कर संघर्ष करने वाला अंगद कुमार हमेशा हमेशा के लिए मातृभूमि की गोद को प्यारा हो गया। लेकिन भैल का भैया बतिया यही रुकल ना आगे बढ़े लगल। आखिरकार यह खबर सनसनी जैसे फैलने लगी और जब यह खबर फैलती है तो देखें जिला गाजीपुर गांव गोपालपुर में अंगद कुमार के घर यह खबर पहुंच गई। पूरे जिला गाजीपुर से लेकर के गांव तक चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। होनहार अंगद कुमार आज अपनी शहादत दे दिया है। ये बतिया के चारों ओर चर्चा होखे लगल। अंगद कुमार के दरवाजा पर जनता का पार भीड़ लगल हो, तमाम मंत्री विधायकों की लाइन लगी हुई है। इस बीच में आज गांव समाज के लोग अंगद कुमार के रो के शहादत पर आज सलामी देथुवन कहथुवन। का कहथुवन भैया? गांवपुर के लोग यह बतिया कहत रहले रो के, का कहत रहले बाबू? मौत सुनी रोवे नारे नरियानु हो ई का कैला ये विधना कल पेली बुढ़िया मतरियानु हो ई का कैला ये विधना पुलिस उपनिरीक्षक ललन सिंह घर आए छत्तीसगढ़ से अंगद की लाश घर लाए लेली हला आखी का पुतरियानु हो ई का कैला ये दरवाजे पे
सभी समाज के लोग एकत्रित हैं, सारे लोगों के आंखों में आंसू चल रहा है। इसी बीच बताया जाता है कि पुलिस उप निरीक्षक माननीय लल्लन सिंह जी छत्तीसगढ़ से अंगद कुमार की लाश को लेकर के घर आते हैं। आज जब घरे अइलन न भैया तो परिवार का सब लोग सारे जनता के बीच में इकट्ठा भइल। ओ बीचवा में जौन बाप का फर्ज अदा करे वाला बड़का भैया रहलन, ओ भैया के दिलवा पर वज्र गिरल। आ जब वज्र गिरल तो सोरठी के भाव में कहत हुन, का कहत हुन भैया? लसिया के दाई के रोया भया, वा बहिनिया हो भया, वा बहिनिया हो, संगवा बिरानावा के छूटली हो रा, अब ना देखाई बा भैया सपा, ना हो जाई बा हो सपा, ना हो जाई बा हो, नतवा बिराना वा से टूटली हो रा, आखिर परिवार के सब लोग बीच में इकट्ठा हो, बड़का भैया से लेके छोटका मझिला सब भैया इकट्ठा हो, लोग दोनों बहनियाँ माई सब लोग बीच में घेर के अपने वो बेटवा के लाश पर वो मतारी रोवत या भाई रोवत हो कि भैया तुहरे सहारे हमारे परिवार का नैया चलत रहे, आज ये कदर ये नैया के डुबा के ए तरह से नाता तोड़ के हम हंस से चल गई ला। ई बतिया गाँवपुर समाज के लोगन के करेजा के फाड़ देत रहे, लेकिन हुआ क्या बाबू, बात आगे बढ़ने लगा। और जब बात आगे बढ़ी तो बताया जाता है कि ऊ सोनी जौने सोनी के साथ अंगद कुमार का शादी तय रहे, उस सदिया भइल ना। आ जब भइल ना भैया तो बीचवे में प्रभु को मर्जी ऐसन भइल कि आखिरकार बिन बियाही पत्नी आज विधवा होने जा रही है। जब सोनी खबरिया पौलस तो वहां का बात पहपट के लाइन में लिखा गई बाबू, अरे बिहार में सोनी सुनली मऊतिया छतिया फाटले, अरे बिहार में सोनी सुनली मऊतिया छतिया फाटले, आ लिखला का विधाता मोर किस्मतिया छतिया फाटले, कही के मारी जग में हनवा हो, बल्कि मारी लेता विधना अब हमारो पर नवा हो, अरे दिलवा में रह गईली दिल का बतिया छतिया फाटले, देश भक्त से भइल नहीं मुलकतिया छतिया फाटले, सोनी जो बिन बियाही आज अपने आप को विधवा समझने लगी है। उस सोनी रोई के एगो बात कहे लगल कि सैया तोहरे जैसे पति के सुहागन बनल हमारी सौभाग्य रहे, लेकिन एक बार हमारी निगाहें आपको देखना चाह रही थी, मेरा वो अरमान अधूरा रह गया। इतना कहकर बताया गया सोनी का दिल यहीं टूट गया और बेहोशी के आगोश में सो जाती है। हुआ क्या बाबू, बिहार की बात तो बिहार रह गई, यहाँ घरवा गोपालपुर में होखे का लगल बाबू आल्हा के भाव में लिखा गई, अरिया सिया भरा ला सभा, लसिया उठ
भैया सुहवल के दरोगा रामा स्वरूप बारमा जी भैया अंतिम सलामी दिहला जाके समता चवना मुहवा के राम राज का बचुमल है भैया आखिरकार सब सब समाज के लोग मिलकर के अंगद कुमार के जनाजा को सजा करके तैयार कर दिए जनाजा सजा और सब परिवार के लोगों में बड़ा भाई और सारे भाई मिलकर के कांधा लगा करके अंगद कुमार की लाश को लेकर के शमशान घाट चलते हैं चले लगलन भैया तब प्रमाण लिखाए लगल भाई का भैया शमशान घाट पर बलो गवा भैया लातिया जरावल गई राजकीय समा बड़े सम्मान के साथ शमशान घाट पर अंगद कुमार का चिता सजा करके तैयार किया गया और चिता जब सज करके तैयार हुआ तो सारे डिपार्टमेंट के लोगों के साथ इस सैनिक को सैल्यूट देकर सलामी देकर के विदाई लेते हुए इंकलाब जिंदाबाद का नारा गूंजने लगा और इस बीच में बड़े भाई रामराज ने अपने ओ दुलरुआ भाई अंगद के मुख अग्नि देके अंतिम विदाई लेलन अंतिम विदाई लेके लोग घरे पहुंचल जहां बुढ़िया मतारी रोय रोय के अपन हाल बेहाल कैले रहे वहाँ सब अधिकारी लोग मिलके वो बुढ़िया माई के समझावत रहे तसल्ली देत रहे एगो बात कह के का कह के वही में हो 30 लाख रुपया मिली बोले अधिकारी बाबू सारे डिपार्टमेंट के लोगों के साथ अधिकारीगण लोग ओ बुढ़िया माई के सात्वात्ना देथुवन धीरज बधावत हुवन माई तू चिंता मत करा तुहार एगो बेटा मर गईल तो वो बेटा मरल ना बल्कि इतिहास के पन्ना में अपना नाम के सदैव के लिए अमर कर गईल ए लिए तू चिंता मत करी ओ तुहार बेटा जवन आज तुहरे परिवार के मान सम्मान के ए देश के मान सम्मान के गौरवान्वित कई के गईल ओ बेटवा के इनाम स्वरूप 30 लाख रुपया प्लस तेरही बदे अनुदान के रूप में 35,000 आज डिपार्ट के लोगों के तरफ से दिया जा रहा है चिंता करने की कोई बात नहीं है भाई माँ आखिरकार लोग धीरज बधौलन आ जब धीरज बधौलन तो यही से बात आगे बढ़ल लास्ट प्रमाण में लिखल गई भैल का भैया खड़ी कलाइन हो चढ़ी है अरे नाही पिरावा तजियत बाट तीन पिरावा हमारही रावा
लास्ट भाव में बुढ़िया माई रो के सब अधिकारी लोगों से कहे लगल कि बेटवा हमके हमारे बेटवा के मोले के तनिको अफसोस नहीं खे, तनिको गम नहीं खे, गम बात खाली एगो ए बाती के कि भगवान इतना हमारे पर रूठ गइलन, इतना हमसे नाराज हो गइलन कि सुहागन होते हुए भी आज विधवा की जिंदगी मैंने बसर किया, जवानी में ही मेरे पति से मुझे दूर कर दिए और आज मेरा होनहार बेटा जो आज वतन के मान सम्मान पर मर मिटने की हौसला रखता था आज वो बेटवा के भी छीन लेलन। बस यही बतिया का हमके तकलीफ हसा हम ऐसन ऐसन एक बेटा कुर्बान भइल अब इन तीन बेटा हमार जियत होवन। जब जब ये देश पर आपदा आई साहब तो हमरे तीनों बेटन में से कौनो बेटवा के चुन लिया हंस के ई माई भेज दे। गजब बात लिखल गईल भइल का भैया वही लाइनिया में। अरे बोले लल्लन सिंह ऐसन देश भगत चाही आरा माई कमलेश तोहर बनी है सिपाही। जियत बाट तीन बिरवा हमार ही रवा। मानी लल्लन सिंह बुढ़िया माई कई बतिया सुन के अखिया में आंसू लेके कहलन कि माई तोहार जज्बा देख के आज हम धन्य हो गईली। जा माई हमार तुझसे वादा है तुहार बेटवा ई कमलेश चौनबा ई कमलेश फिर सिपाही बनी आई सिपाही बन के तुहरे परिवार कन्हैया ए देश के मान सम्मान के बचावे का काम करी ई हमार वादा है तुहसे। गजब बात लिखा गया आज ऐसे ऐसे हमारे हिंदुस्तान के अमर वीर जो अपने जवानी को हंसकर देश के नाम लिख अपनी शहादत देते हैं वही देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस देश को खोखला बनाने में लगे हुए हैं। समाज में आए दिन आतंकवाद उग्रवाद को पनाह देने का काम कर रहे हैं। ऐसे समाज के लोगों को समाज में जीने और रहने का कोई हक अधिकार नहीं होता है। बताया जाता है कि ऐसे ऐसे अमर शहीद के लिए मेरा लाखों लाखों सलाम। कहानी समाप्त हुई लास्ट में गुरु घराने का छाप है बाबू। तो राजपुरम गुरु सतगुरु स्वामी की लीला अगम अनंत अरे ईश्वर की माया को जग में जान बिरला संत अरे जवान